अच्छा भाई, आपने मुझे जो है वेब डिजाइन करने के लिए वो लॉगिन डिटेल तो दी थी, लेकिन वहाँ से थीम्स और प्लगइन वगैरह अपलोड नहीं होते, तो मैंने लोकल होस्ट बनाई है। आप चेक कर लो इसका डिज़ाइन, तो फिर आपको मैं इसकी जो है जिप फाइल और डाटाबेस दे दूंगा, वो आप जो आपका सी पैनल होगा उससे अपलोड करवा लेना। ये इसका जो फ्रंट पेज है, ये मेन्यू जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको ऊपर भी यहाँ पे भी शो हो सकता है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं थीम ऑप्शन में जाके, जहाँ आपको पसंद हो या सूटेबल लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, कुछ इस तरह से होगी इसका डिज़ाइन है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, क्या ये कॉल ऑप्शन है, और ये फाइंड अस और ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के लिंक आ जाएंगे, आप उसको भी वहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड है हमारे पास अबाउट अस का पेज था। ठीक है, अबाउट अस के पेज में हमारे पास ये है। ठीक है, अबाउट अस में इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था, उसको एडिट करके जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करनी है तो आप जो है कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये भी सेम फूड एंड ड्रिंक, यहाँ पे आपका कैफे है उसका कॉफ़ी का, तो वो आप को एडिट कर लेना पेज को। ठीक है, तो वो आप यहाँ से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से है कुछ। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ चाहिए आप उसको एडिट कर सकते हैं, बाकी अगर जो जिनको रिमूव करना वो रिमूव भी हो जाती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। आप स्टोरी में ये है, इस तरह से है कुछ आवर स्टोरी का पेज। ठीक है, कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ईच वगैरह विजिट्स और न्यू ईयर कहाँ कहाँ के हैं आपने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास कॉफ़ी कप्स और पेन पीनट ग्लास, उसके बाद ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ना लोकेशन में आ जाते हैं। लोकेशन में आपने मुझे कहा था कि दो तीन लोकेशन आपने ऐड करनी है, तो इसमें मैंने ऐड की है, या पे आपको जो है वो शो भी कर रहा है। ठीक है, मैप में भी, उसके अलावा ये उसके यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी हैं लोकेशन के, आपने कहा था इमेजेस भी होने चाहिए, वो इमेजेस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेसेस हैं लोकेशन के। ठीक है, ये जितने आपकी हैं लोकेशन उतनी आप रख लेना, और बाकी को यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने जो गूगल मैप है, यहाँ से कुछ में 3D वो करता है, कुछ कंट्रीज में कुछ में नहीं करता। अगर इसको हम उठा के यहाँ पर लाते हैं तो ये आपको 3D व्यू भी देता है। ठीक है, कुछ कंट्री में वो स्पोर्टेड है और कुछ में स्पोर्टेड नहीं है, तो इस तरह से आप देख लें जिस आपका कंट्री में स्पोर्टेड होगा या नहीं होगा, तो वो भी आपको यहाँ से ठीक है व्यू दे सकता है, 3D व्यू आपको देता है। ठीक है, यहाँ पे देख, ये है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने मैप भी ऐड कर दिया हुआ। उसके बाद कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टैक्ट का जो है पेज वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये इस पे फॉर्म भी है, गेट इन टच के लिए फॉर्म भी है, वो सेंड कर सकते हैं अपने जो है आइडियाज या जो भी उनकी होंगी। ठीक है, ये इस तरह से है कुछ, तो ये आप कंप्लीट देख लें, इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह और आप चाहते हैं तो मुझे बताएं। आपको अगर पसंद आए तो मैं इसकी जिप फाइल और डाटाबेस आपको देता हूँ, तो आप सी पैनल पे अपलोड कर लो, या फिर मुझे आप डिटेल्स दें सी पैनल की, तो मैं भी अपलोड कर दूंगा उसको वहाँ पे। ठीक है, जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा आप कह रहे थे प्लगइन और थीम्स आप खुद ही अगर कर दें तब भी मैं कर सकता हूँ। एक तो यह है वाडा थीम, ये आप मुझे अपलोड कर दें, अगर आप वहाँ से करके खुद ही करना चाहते हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्लगइन हैं, ये प्लगइन है इसके। ठीक है, ये सारे लेयर स्लाइडर, बीप्रेस, कामरस और स्लाइडर रेवल्यूशन और
चीजें, ठीक है। उसके बाद एक और प्लगइन है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे आप या तो अपलोड कर दें, या फिर अगर आपको यही पसंद है तो मैं इसकी आपको जिप फाइल दे दूंगा, मेल कर दूंगा, और आप उसको अपलोड कर लेना अपने सी पैनल के थ्रू, और डाटाबेस भी आपको मेल कर दूंगा, वो भी आप वहाँ पे सी पैनल के थ्रू अपडेट कर देना। बाकी आप देख लें आपको कैसी लगी है, फिर मुझे बता दीजिए।